हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अपनी क्रिएटिविटी में। सुन सुन के बोर तो नहीं हो गए? हो जाओ तो बता देना कमेंट करके। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे आप एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, ये सारी ही चीज़ें और बहुत सारे पोषक तत्व जो कि हमारी प्लांट को ज़रूरत होती है, वो सारे पोषक तत्व सिर्फ एक ही खाद में मिल जाएंगे। उसे आप अपने सब्जियों वाले पौधों में भी दे सकते हैं और फ्लावर वाले प्लांट्स में भी दे सकते हैं, और वो बनेगी बिल्कुल मुफ्त में, जो है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं प्याज के छिलके, और जो ऊपर वाली स्किन होती है प्याज की जिसे हम निकाल देते हैं वो भी हमें ले लेना है। उसके बाद मैंने इन सभी को एक जग के अंदर डाल दिया है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जग, ग्लास, बाल्टी, कुछ भी ले लीजिए। उसको फिर उसके अंदर मैं पानी भर दूँगी और इसको हमें रखना है पूरे 24 घंटे के लिए ढक कर। जी हाँ, आप यदि सर्दी का टाइम है तो आप 2-3 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैंने 24 घंटे के लिए रखूँगी। और 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो छिलके हैं ये थोड़े गल चुके हैं और इनके अंदर से स्मेल भी आ रही है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे प्लांट्स के लिए, और जिनमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनमें भी फ्लावरिंग होने लग जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बॉटल, डिस्पोजल बॉटल को मैंने कट कर लिया था, और अब इसके अंदर मैं इस लिक्विड को छान लूँगी। आपको कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो उसको छान कर ही देना चाहिए। छानने में एक बात का ध्यान रखें कि नीचे ना ढूले, और अगर ढूल भी जाए तो तुरंत पोछा लगा दें, कोई फिसल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मैं इसको छान लूँगी, और अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी की कि आपको कितनी क्वांटिटी देनी है प्लांट में। तो यदि बड़े साइज़ का गमला है यानी 16 इंच का करीब, तो आप उसके अंदर 1.5 लाख दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये उठा करके तुरंत नहीं दे देना है। आपको इसके अंदर 50% पानी मिलाना है, मतलब आधा ग्लास यदि आपने ये लिक्विड लिया है तो उसमें आधा ही ग्लास आपको पानी भी इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आप इसे अपने हर तरह के पौधे में दे सकते हैं। बड़ा गमला है तो आप 1.5 ग्लास दे दीजिए, 12 इंच करीब का गमला है तो आप 1 ग्लास दे दीजिए, और यदि बहुत छोटे गमले हैं तो आधा ग्लास दे दीजिए। क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ही थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ क्रोटन में। और एक और बात कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें हमेशा शाम के वक्त देना चाहिए, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, और मिट्टी एकदम सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसके अंदर पहले से पानी होगा और यदि हम ये फर्टिलाइज़र देंगे सारा नीचे से ड्रेनेज होल से बह जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मिट्टी सूखी हुई होगी। उसके बाद हम इसकी मिट्टी यदि प्लेन हो रही है ऊपर से तो उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद शाम के वक्त आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे दीजिए। 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको प्लांट पर रिजल्ट नज़र आने लगेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तब भी आपको इसके अंदर 50% वाटर ऐड करना है, और यदि आप इसको एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तब भी आपको इसके अंदर 50% वाटर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा यदि हम किसी भी प्लांट को चीज़ देते हैं, कोई भी खाद देते हैं, तो उसका भी नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी खाद यूज़ करें तो भले ही थोड़ी कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रोटन का गमला थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसमें 75% के दे दिया है, और अभी थोड़ा सा बचा है तो ये मैं दे दूँगी स्पाइडर प्लांट में। और यदि मुझे कहीं पर थोड़े बहुत प्रेस्ड कीड़े वगैरह नज़र आएंगे तो मैं उसके ऊपर छिड़काव भी कर दूँगी। और अभी जो हमारे पर्सल एंड पर्चुला का, जो कि अभी मार्च का महीना, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पर कीड़े वगैरह लगने की संभावना होती है जिन प्लांट में फ्लावरिंग होगी अभी, तो उन सभी में भी आप इसका छिड़काव कर दीजिए। और इसको छान लेने के बाद जो बचे हुए छिलके हैं
आप चाहें तो उसके अंदर फिर से पानी भर के उसको फिर से रख सकते हैं और एक बार फिर से उसका यूज़ आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के बाद आप प्याज के छिलके नहीं फेंकेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।